ये लगा कर इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा धक्का धक्का दे देना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन हाउस में। आज हम आपको बताएंगे कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस किस तरीके से ट्रांसफर की जाती है। ये हमारे पास में 5 kg का सिलेंडर है और ये हमारे पास में बड़ा सिलेंडर है। किस तरीके से इसमें गैस ट्रांसफर की जाती है पूरा तरीका बताएंगे। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं बिना स्किप करें तो आप पूरा इसमें सीख जाएंगे किस तरीके से हमें गैस भरनी है और किस तरीके से हमें इसे गैस ट्रांसफर कर सकते हैं हम आसानी से। ये हमारे पास में एक रिफिलर आती है, अगर आप दुकान पर जाएंगे गैस वाली दुकान पर तो ये आपको मिल जाएगी 40 की 47 रुपये की आपको पड़ जाएगी। और एक हमारे पास में इस तरीके की मशीन आती है, ये इस तरीके की, ये एक इसमें रेगुलेटर होता है हाई प्रेशर, और ये पूरी मशीन होती है। और ये पाइप होता है वो गैस वाला ही पाइप होता है ये वाला। ये दो तरीके से हम छोटे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर आपको करके दिखाएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला बड़ा सिलेंडर है और ये छोटे सिलेंडर में गैस हमें डालनी है, तो इसे इस तरीके से हम ऐसा कर देंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद में ये इसका जो रेगुलेटर है वो हमें इसमें लगाना है। ये रेगुलेटर इस तरीके से हम इसे नीचे को दबाकर और इस तरीके से इसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद में इस तरीके से हिला और दे दो, जिससे इससे गैस लीकेज नहीं होगी। अब ये है इस तरीके की नोजल, हमें ये नोजल इस तरीके से लेकर और इसे हम लगा देंगे, इसमें टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब हमें इसमें आधी किलो 1 किलो जो गैस डालनी है तो किस तरीके से हमें डालेंगे, ये हमारा कांटा है इस पर हम रखकर और इसे ऑन कर देंगे कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर कांटा हमारा ऑन होने के बाद में ये हो जाएगा जीरो, इस तरीके से बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये जीरो होने के बाद में अगर हमें इसमें 100 ग्राम 200 500 1 किलो जितनी भी डालनी है इस तरीके से हम ये इसका बाल खोल देंगे, और खोलने के बाद में तब तो हमें यहाँ से खोलना है। ये देखिए आवाज भी आ रही होगी आपको, ये देख सकते हैं आप, इसमें गैस पड़ने की आवाज भी आ रही होगी। और ये इसमें जो वजन है, इसमें जो वेट है वो देख सकते हैं 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम इस तरीके से इसमें बढ़ता जा रहा है। इसे हम इसमें सिलेंडर में हमें 500 ग्राम इसमें गैस डालनी है, और 500 ग्राम डालने के बाद में हमें क्या करना है, तो यहाँ से जो इसका जो चाबी है रेगुलेटर की, ये जो चाबी है इसे हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये देख सकते हैं इसमें 500 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा आ चुकी है, 530-535 ग्राम इसमें आ चुकी है। अब क्या होता है, अगर आपका जो सिलेंडर है ये वाला जो सिलेंडर है इसमें गैस अगर पड़ते पड़ते अगर रुक जाए तो हमें सबसे पहले ये वाली जो इसकी जो रेगुलेटर ये वाला पाइप है ये वाला बंद कर और इसमें इस तरीके से हम इसका थोड़ा सा प्रेशर निकाल देंगे, क्योंकि ये बढ़ते इसमें गैस डालते लड़ते इसमें ये प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम इसका ये वाली पहले ये वाली नोजल बंद करनी है, उसके बाद में ये वाली खोल देनी है। इससे इसका थोड़ा सा प्रेशर लूज हो जाएगा, लूज होने के बाद में फिर इसे चालू कर देंगे तो ये इसमें गैस आपको 2 किलो 3 किलो जितनी भी डालनी है वो पड़ जाएगी इसमें। अब ये हमारी आ गई इसमें 500 ग्राम के करीबन, है ना, ये 500 ग्राम अगर आ गई तो हम इसे इस तरीके से निकाल कर इसे बंद कर दिया। अब हमें बननी है इस वाली नोजल से, अब हमें इस वाली नोजल बननी है, ये हमारे पास में न्यू नोजल है। इसके लिए हमें क्या करना है कि ये इसमें जो बाल जो आता है ये बिल्कुल खराब बाल होता है, इसमें जो बाल नया वाला हम बाल जो है इसमें लगा देंगे। इस तरीके से हमने ये नया वाला इसमें फिट कर दिया, और फिट करने के बाद में ये हमने इसमें इस तरीके से टाइट कर दी। इसके बाद में हम चाबी से थोड़ा सा और टाइट कर देंगे इसे। पीछे से अच्छे से टाइट कर देना है, अगर ये टाइट नहीं हुआ तो यहाँ से गैस लीकेज करेगी। अब इस नोजल से हमें कैसे गैस डालनी है, हमें इस वाली नोजल से ये हमने इसमें लगा ली है अपनी रेगुलर जो है इसमें लगा ली। अब इसे हम कांटे पर रखकर अच्छा कांटा कर देंगे चालू, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल जीरो। जीरो होने के बाद में इसमें हमें जितनी गैस डालनी है 1 किलो 500 ग्राम वो इसमें आ जाएगी। ये माइनस में आ चुका है, अब इसका वेट जो है 4 किलो 847 ग्राम
अब ये हमारा सिलेंडर है, न्यू सिलेंडर। अब अगर आपका सिलेंडर भरा हुआ है तो अधिकतर लोग इसमें क्या करते हैं कि इस सिलेंडर को इस तरीके से भरते हैं गैस इसमें, लेकिन जब हमारा सिलेंडर इसमें भरा हुआ है तो हमें इस तरीके से इसे उल्टा करके भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये हम इसे उल्टा करके भरते हैं तो इसकी नोजल अगर टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो इससे बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप इसका बढ़िया तरीका ये है कि इस तरीके से आप ये हमें इस तरीके से सिलेंडर लिटा दिए के बाद में, और ये हमें इसमें इस तरीके से धक्का एकदम तेजी से इसमें एकदम लगा देना है। देखिए इसमें आवाज आ रही है इसमें गैस डालने की, और जितनी भी हमें गैस डालनी है उस तरीके से हमारी इस तरीके से हमारी गैस जो है इसमें पड़ जाएगी। 200 ग्राम इसमें आ गई, आधी किलो करनी है, आधी किलो पहले आ गई, आधी किलो अब करनी है, तो एक किलो इसमें पूरी गैस हो जाएगी। ये देखिए इसमें पूरे 500 ग्राम आ चुकी है, 500 ग्राम हमने इस वाली नोजल से डाली, 500 ग्राम इस वाली नोजल से डाली। अगर आपका सिलेंडर इस तरीके से पूरा भरा हुआ है तो आपको इसका उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे निकाल कर भी इसमें गैस डाल सकते हैं। अगर आपका सिलेंडर में 2 किलो 3 किलो 4 किलो गैस रह गई तो अभी आप उसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर आधे से ज़्यादा अगर भरा हुआ है सिलेंडर, ये वाला आधे से ज़्यादा अगर भरा हुआ है तो आप निकाल के भी गैस डाल सकते हैं, और आधे से थोड़ा सा कम है तो इसमें हमें इस तरीके से उल्टा ही करना पड़ेगा। आने वाले समय में गैस से संबंधित, बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और हमारे द्वारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने जो जानकारी आपके साथ में शेयर जो करी है तो वो आपको किस तरीके से थोड़ा सा लाभदायक है, समझ में आई नहीं आई आप बता सकते हैं, और अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।